इसके पक्ष में क्या तर्क है? भारत में क्यों लागू किया गया? पहले भी वैसे बताया गया, लेकिन फिर भी एक बार अब इन तुलनात्मक अध्ययन के बाद स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी कि भारत में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को लागू करने का पहला कारण सरलतम प्रणाली, साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व वाली प्रणाली है। साधारण बहुमत बहुत बड़ी बात है, इसकी कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। मतदान बड़ी आसानी से, मतदाता अपनी बात को समझ सकते हैं और केवल एक प्रत्याशी को मत देना है, और वो कौन सा प्रत्याशी हो उनकी जिसकी पसंद, अपनी पसंद के अनुसार। साथ ही मतगणना में भाग लेने वाले अधिकारी, मतगणना का काम करने वाले अधिकारी, इनके लिए भी ये बड़ा सरल हो जाता है। ऐसे चुनाव में जो भारत जैसे देश के लिए हो, बड़ा विशाल स्तर पे इसका कार्य होता है, बहुत भारी संख्या में कर्मचारियों की, अधिकारियों की जरूरत पड़ती है चुनावी प्रक्रिया को पूरा निपटाने में, मतगणना, मतदान आदि के दिनों में। तो ये भी सुनिश्चित करना होता है कि जो अधिकारी हैं उनके लिए भी ये प्रक्रिया सरल हो समझने में, इसलिए भी ये सरलतम प्रणाली अपनाई गई। इसमें उनके लिए सरल हो जाता है कि जो सबसे ज़्यादा वोट पाया उसको विजयी घोषित कर दिया। तो कुल मिला के मतदाता के लिए सरल और अधिकारियों के लिए भी सरल, जनता से जुड़ा हुआ मामला वहाँ पर सरलतम पद्धति। दूसरा कारण, आपने जैसे समझा, ये वो पद्धति है जिसमें जनता के प्रति सीधा उत्तरदायित्व उम्मीदवार, चयनित उम्मीदवार पे आ जाता है। तो दूसरा पक्ष है, दूसरी बात, प्रतिनिधित्व का उत्तरदायित्व निश्चित रहता है। इस प्रणाली में एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि, निर्वाचन क्षेत्र की सीमा तय, इसलिए वो अपने उत्तरदायित्व को किसी और पे नहीं डाल सकता, किसी और पर डालकर अपने कार्य का निर्वाह नहीं कर सकता और जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, सुदृढ़ सरकार का निर्माण। क्योंकि इसमें बहुमत वाली बात होती है, तो इस प्रणाली में सुदृढ़ और स्थायी सरकार के निर्माण की प्रबल संभावना रहती है, जो दूसरी पद्धति में, सूची पद्धति में नहीं है। जो राजनीतिक दल मजबूत हैं, बड़े हैं, शक्ति है जिनके पास, उनके प्रत्याशी निर्वाचित होते हैं। परिणाम स्वरूप सुदृढ़ और शक्तिशाली दल बहुमत पाता है और उसके आधार पे वह सुदृढ़ और शक्तिशाली सरकार देता है। तो सरकार का स्थायित्व, जो किसी देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वह इस प्रणाली में बहुत कुछ सुनिश्चित है। मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ पर अस्थिरता नहीं रहती, कभी कभी ऐसी स्थितियाँ भी आती हैं, पर वो बहुत कम। चौथी अच्छाई जिसके कारण इसको भारत में अपनाया गया, वह है कम खर्चीला होना, यानी मितव्ययिता। छोटे निर्वाचन क्षेत्र, एक सदस्य का चयन, तो एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होने के कारण और छोटे निर्वाचन क्षेत्र होने के कारण इस प्रणाली में कम समय और कम खर्च, इस पे जनसंपर्क संभव है। जनसंपर्क किसी भी चुनाव की सफलता के लिए या किसी भी लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। उम्मीदवारों को जनसंपर्क करना जरूरी है, उसी से चेतना आती है, राजनीतिक चेतना आती है, जागरूकता आती है, और मतदाता तय करता है अपनी पसंद, अपनी प्राथमिकताएं आदि, उनके विचारों को सुनकर। ये विचार वो तभी सुनेगा जब क्षेत्र छोटा हो और उम्मीदवार उनकी पहुंच पे हो। तो मितव्ययिता एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। भारत एक निर्धन देश भी है, वो ज़्यादा खर्च अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए सुनिश्चित करना है कि खर्च कम हो, ऐसी चुनावी प्रक्रिया अपनाई जाए। अगला कारण भारत में लागू होने का, कि भारत में सदैव ये प्रयास रहा हमारे संविधान सभा के निर्माताओं का कि द्विदलीय पद्धति का विकास हो। साधारण बहुमत की प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है, जैसे इंग्लैंड और अमेरिका में है, यहाँ पर द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई। एक से ज़्यादा दल आए और दो दल हमेशा मजबूत रहे, चाहे वो अमेरिका की बात करें
चाहे इंग्लैंड की बात करें। इसी को देखकर भारत में भी संसदीय लोकतंत्र में द्विदलीय प्रणाली की मजबूती के लिए ये संवैधानिक प्रावधान किया गया कि ये वाली पद्धति चुनाव की अपनाई जाए। इस प्रणाली में संसदीय लोकतंत्र में स्थायी सरकारें भी आती हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स हैं और दो राजनीतिक दल, और दोनों में से जिसे पूर्ण बहुमत मिलेगा उसकी सरकार और राजनीतिक स्थिरता दो ही हैं, एक सत्तारूढ़ दल एक विपक्षी दल। ऐसे इंग्लैंड में भी लिबरल्स हैं। तो कुल मिलाकर दो दलीय प्रणाली को प्रमोट करने के उद्देश्य से भारत में भी इसे लागू किया गया। छठवां कारण, योग्य प्रतिनिधि का निर्वाचन होता है। जैसा मैंने कहा, यहाँ दल आधारित निर्वाचन नहीं है। सरल प्रक्रिया जो है, जिसे फर्स्ट पास द पोस्ट कहते हैं, उसमें जो व्यक्ति पहला आया वो चुना जाता है, वो प्रतिनिधि बनाया जाता है, जो दल नहीं। दल आधारित चुनाव की भूमिका चुनाव के बाद आती है, जब दल के आधार पर सरकार बनती है, बहुमत दल की सरकार बनती है। लेकिन दल के पहले तक उम्मीदवार को देखकर उम्मीदवार आधारित मतदान होता है। साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व पद्धति में निर्वाचन क्षेत्र छोटे होते हैं, जिसके कारण उम्मीदवारों और मतदाताओं के बीच में सीधा संपर्क रहता है। उम्मीदवारों के लिए ये जरूरी होता है कि वे मतदाताओं से जाकर अपनी बातें रखें, उन्हें अपने विचार से अवगत कराएं और उनके विचारों से के अनुसार मतदाता निर्णय लेता है कि किसे मत देना है। मतदाता चुनाव में खड़े होने वाले सभी उम्मीदवारों के साथ संपर्क बनाता है, या उम्मीदवार सभी उम्मीदवार हर मतदाता के साथ संबंध बनाते हैं। और ऐसी स्थिति में मतदाता जो है वो सभी उम्मीदवारों के गुण अवगुण से परिचित हो जाता है, वाकिफ हो जाता है, और तब जाके योग्य प्रतिनिधि को वह निर्वाचित करने के लिए मत देता है। उसकी समझ में जो योग्य है उसे निर्वाचित करने के लिए मत देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, इन 6-7 कारणों से भारत में सरल वाली पद्धति या फर्स्ट पास द पोस्ट पद्धति लागू की गई, यद्यपि इसकी कुछ खामियां हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी पद्धति की खामियां नहीं हैं, उसमें भी हैं। लेकिन कुल मिलाकर संविधान निर्माताओं, तत्कालीन संविधान सभा के सदस्यों का विचार था कि यह पद्धति भारत में जनतंत्री चुनावों के लिए, जिसमें जनता जुड़ी हो, उसके लिए सरल पद्धति बेहतर रहेगी। चुनाव की प्रक्रिया को विस्तृत रूप से समझने के बाद अब हम आते हैं अगले महत्वपूर्ण बिंदु पर, वह निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण, रिजर्वेशन ऑफ। अब निर्वाचन क्षेत्र को देखिए अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी की स्पेलिंग अवश्य देखें और उसे नोट करें, क्योंकि कई बार कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम कन्फ्यूजन कर जाते हैं। तो यहाँ पर आपको अब हम पढ़ने जा रहे हैं निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण, अर्थात निर्वाचन क्षेत्र कैसे बनाए जाते हैं, उसमें आरक्षण कैसे होता। हमने जैसे पढ़ा कि जिसे सबसे ज़्यादा मत मिलता है तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में उसे विजयी घोषित किया जाता है। ठीक, इससे क्या होता है कि छोटे छोटे सामाजिक जो समूह हैं, एक तरीके से उनका हित उतना ध्यान में नहीं रखा जाता। भारतीय परिवेश में, भारतीय सामाजिक परिवेश में ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ जाति और जाति आधारित भेदभाव बहुत रहा है, बहुत गहरा रहा है। ऐसी व्यवस्था में जो जाति आधारित हो,
इसमें सर्वाधिक सबसे ज्यादा मतों से जीतने का परिणाम क्या होता है कि कुछ जातियों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता और ऐसी स्थिति में वे जातियां अपने को मुख्य राजनीतिक व्यवस्था से दरकिनार पाती हैं, मुख्य राजनीतिक व्यवस्था से हटी हुई पाती हैं, कटी हुई पाती हैं और फिर उनमें एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन प्रारंभ होता है। हमारे संविधान निर्माता जो थे वे इस कठिनाई से वाकिफ थे, इस कठिनाई के प्रति सजग थे, जागरूक थे और ऐसे दलित उत्पीड़ित समाज के जो समूह हैं उनके लिए उचित और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व व्यवस्था कैसी हो इसके लिए बहुत सोच की उन्होंने। बहुत सोच के बाद जिसमें अधिकतम को न्याय मिल सके, जिसमें वो समझते थे, आवश्यक समझते थे कि दलित तबके का प्रतिनिधित्व पर्याप्त हो, संविधान में कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में उन्होंने आरक्षण की भी व्यवस्था कर दी। ये संवैधानिक प्रावधान कर दिया कि कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर आरक्षण होगा। अब आरक्षण के क्या मायने, किन का आरक्षण, उस आरक्षित क्षेत्रों के मतदाता कौन। स्वतंत्रता से पहले की यदि बात करें तो निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण को लेकर बहुत बहस होती थी। मिंटो मौले रिफॉर्म से आरक्षण की शुरुआत हुई थी जो 1909 में लागू हुआ था। उसका तत्कालीन जो नेतृत्व था भारत का उसने विरोध भी किया था लेकिन ब्रिटिश शासन किन्हीं कारणों से आरक्षण के पक्ष में था और वहाँ से हम देखते हैं आरक्षण के प्रक्रिया की शुरुआत जो बढ़ते बढ़ते 1946-47 विधानसभा 1946-47 के संविधान सभा में एक मुख्य विषय के रूप में उभरती है। ब्रिटिश सरकार ने जब 1909 में ये लागू किया था तो धर्म के आधार पर शुरू किया था, सांप्रदायिकता के आधार पर शुरू किया था, सांप्रदायिकता के आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी। तो इसकी जड़ हम ब्रिटिश शासन काल में देखते हैं और ब्रिटिश शासन के द्वारा सांप्रदायिकता के आधार पर करने के पीछे मकसद था समाज को बांटना और अपना शासन मजबूत रखना, डिवाइड एंड रूल। तो डिवाइड एंड रूल के तहत उन्होंने ये तरीका ईजाद किया था सांप्रदायिकता के आधार पर आरक्षण। सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत अंग्रेजों ने एक विशेष संप्रदाय को अलग से प्रतिनिधित्व दिया, अर्थात एक संप्रदाय को मानने वाले मतदाता अपने ही संप्रदाय के उम्मीदवार को निर्वाचित करेंगे, दूसरे मतदाता नहीं, यानी मतदाता भी उस संप्रदाय विशेष के, उम्मीदवार भी उस संप्रदाय विशेष के और इस प्रकार वह निर्वाचन क्षेत्र एक खास संप्रदाय विशेष का निर्वाचन क्षेत्र हो जाता था। ये जो डिवाइड एंड रूल की जो नीति थी अंग्रेजों की भारत में फूट डालने की, इसको 1909 में मिंटो मौले रिफॉर्म में जो को भारत परिषद अधिनियम बोलते हैं उसके तहत और फिर बाद में 1919 में मॉन्टेग्यू चेनफोर्ड रिफॉर्म, फिर 1935 में सिख और ईसाइयों के साथ इस तरीके से प्रतिनिधित्व के वर्ग बढ़ाते गए, प्रतिनिधित्व का दायरा भी एक तरीके से बढ़ाते गए और कोशिश सतत ये रही कि अल्पसंख्यकों के हितों के नाम पर उनको भारतीय समाज को तोड़ा जाए और इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन को विभाजित किया जाए। यहाँ तक कि अल्पसंख्यकों के लिए विधानमंडल में स्थान सुरक्षित रखे गए, जितना स्थान विधानमंडल में रखा जाता था उतना ही उनका निर्वाचन क्षेत्र होता था, उस निर्वाचन क्षेत्र से केवल उसी संप्रदाय
का व्यक्ति उम्मीदवार हो सकता था जिस संप्रदाय का वह निर्वाचन क्षेत्र है। इस प्रणाली के अंतर्गत क्या हुआ? इस प्रणाली के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्र जो एक सदस्यीय था सुनिश्चित हो गया कि उस संप्रदाय का वह एक न एक सदस्य उसी संप्रदाय का चुन के आए। उन्नीस सौ सैंतालीस में जब भारत विभाजित होता है तो उसका मुख्य कारण संभवतः यही सांप्रदायिक आधारित आरक्षण था, जिसने बाद में दो संप्रदायों के बीच में इतने गहरे मनमुटाव का रूप लिया कि देश का विभाजन करना पड़ा। क्योंकि उस और आखिर ऐसा क्यों ना हो, आरक्षण के पीछे जो सोच थी वह स्वयं नेगेटिव थी। 1909 में डिवाइड करने की थी, जो 1949 आते आते वास्तव में अगले 40 वर्षों में इतनी बढ़ गई कि फिर वह विभाजन के रूप में ही परिणित हुई। 1935 फिर 1947। 1909 से जो धर्म आधारित जो आरक्षण नीति का प्रारंभ हुआ उसने धीरे धीरे विभिन्न धर्मों के लोगों को आकर्षित किया, जिसमें मुस्लिम, फिर सिख, ईसाई, पारसी, इस संप्रदाय के लोग सब अपने अपने प्रतिनिधि की चाह रखते थे और अपने संप्रदाय के आधार पर आरक्षण का लोभ बढ़ता गया, मंशा बढ़ती गई, इच्छा की तीव्रता बढ़ती गई धर्म आधारित रिजर्वेशन के लिए, धर्म आधारित आरक्षण के लिए। और ये 1909 में सफल रहे, 1919 में और ज़्यादा सफलता मिली, 1935 के संवैधानिक प्रावधानों में जो भारतीय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहलाता है उसमें और स्वतंत्रता मिली। किंतु स्वतंत्रता के पश्चात इसे समाप्त कर दिया गया। धर्म आधारित आरक्षण को स्वतंत्रता के पश्चात समाप्त कर दिया गया। भारतीय संविधान में इस प्रणाली को स्वीकार ही नहीं किया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के पक्ष में क्या तर्क थे उनके, जिसको लेकर 1909 से 1947 तक वो प्रक्रिया चली और आगे भी ऐसी मंशा इन लोगों की थी, अपने पक्ष में ये लोग क्या बात रखते थे? तो पहली बात कि उनका ये कहना था कि इस व्यवस्था में धार्मिक संप्रदायों के आधार पर प्रतिनिधियों का निर्वाचन हो जाता है और इस प्रकार हमारी आवाज़ विधानमंडल तक पहुंचती है। हर उम्मीदवार अपने धर्म के उम्मीदवारों में से ही किसी एक को मत देगा, जैसे हिंदू मतदाता केवल हिंदू को, मुस्लिम मतदाता केवल मुस्लिम को, ईसाई मतदाता ईसाई को, पारसी सिख अपने अपने धर्मों के मतावलंबियों को। और इससे परिणाम क्या होगा कि धर्म आधारित प्रत्येक वर्ग को प्रतिनिधित्व मिल जाएगा, धर्म आधारित प्रत्येक वर्ग को। क्या सांप्रदायिकता पर आधारित इस आरक्षण का आप समर्थन करते हैं? क्या आपको उचित लगता है कि इस आधार पे आरक्षण होना समाज के लिए अच्छा है, देश की एकता के लिए अच्छा है? क्या 1947 का विभाजन का अनुभव हम भुला सकते हैं, जिसकी नींव अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत 1909 में रख दी थी? निश्चित रूप से उत्तर होगा नहीं। और यही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के विपक्ष में तर्क है। इसका समर्थन तो किया ही नहीं जा सकता। ये प्रणाली जो है वो राष्ट्रीय एकता पर कुठाराघात है, राष्ट्रीय एकता को समाप्त करती है, अलगाववाद की भावना पैदा करती है, धर्म के नाम पर लोगों को बांट देती है, द्वेष ईर्ष्या पैदा करती है और ना जाने क्या क्या। ये दंगे, ये हत्याएं, ये बहुत सारे अपराध, इनके पीछे वो सांप्रदायिक भावनाएं हैं। राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा
सांप्रदायिक हितों को इसमें ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसी प्रणाली से मतदाता, जनता और प्रतिनिधियों दोनों का दृष्टिकोण संकीर्ण हो जाता है। मतदान करने वाला धार्मिक दृष्टि से सोचता है, चयनित होने वाला उम्मीदवार धार्मिक दृष्टि से ही सोच रखता है, और मतदाता और उम्मीदवारों के बीच की ये धार्मिक जुगलबंदी जो है वह बड़ी घातक होती है और सांप्रदायिक भड़ास दंगों को बहुत भड़काती है। इतना जो 1947 के ये चित्र आपको बताते हैं जो विभाजन के कारण बने, और उसकी जड़ में आरक्षण की नीति थी। आरक्षण वो ऐसा औजार, एक ऐसा हथियार अंग्रेजों ने लिया जो भारत को, समाज को विभाजित करने के लिए पर्याप्त निकला। प्रारंभ में ये आरक्षण करने की व्यवस्था बिल्कुल ही नहीं थी, क्योंकि बुराइयां बहुत थी। ये प्रणाली प्रजातांत्रिक भी नहीं थी, क्योंकि प्रजातंत्र में तो बहुमत का शासन होता है, बहुमत वाली बात होती है। डेमोक्रेसी मतलब जिधर ज्यादा सिर, जिधर ज्यादा लोग, उधर का मत। तो इसलिए इस व्यवस्था को तो तुरंत हटाया गया, लेकिन संविधान निर्माताओं ने, उनकी कुछ सोच और थी। उन्होंने कुछ और समस्याओं को गहन अध्ययन किया था और देखा था कि समाज का एक ऐसा तबका है जो जब तक उसे शासन के द्वारा पर्याप्त सपोर्ट न दिया जाए वह तबका उठ ही नहीं पाएगा। जो हजारों वर्षों से शोषित रहा है वह शोषित ही रहा चला आएगा, और इस प्रकार न्याय या लोकतंत्र या समानता, ये सब जो विचार हमारे संविधान के हैं, वे मात्र कागज की के शब्द रह जाएंगे। भारतीय संविधान की रचना करते समय संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में विशेष ख्याल किया, और जब ये सुनिश्चित हो गया उनकी नज़र में कि इन्हें सरकार के सपोर्ट की ज़रूरत है ऊपर उठाने के लिए, तो उस वर्ग के लिए राज्य की विधानसभाओं में, लोकसभाओं में और स्थानीय स्वशासन की इकाइयों में कुछ स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था की। समानता के मूल अधिकार के अपवाद के रूप में आरक्षण का प्रावधान किया, लेकिन यह आरक्षण धर्म आधारित नहीं बल्कि वर्ग आधारित था, और ये व्यवस्था भी 10 वर्षों के लिए किए थे, संविधान लागू होने के 10 वर्ष तक। इसके बाद संविधान में संशोधन करके इसे फिर 10 वर्ष बढ़ाया गया, फिर 10 वर्ष बढ़ाया गया आदि। और बढ़ाने के पीछे कारण ये कि तत्कालीन सरकारों का मानना है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को अभी भी उस विशेष प्रावधान की जरूरत है जिसे हम आरक्षण कहते हैं, ताकि इस तबके को समाज में समान स्तर पर लाया जा सके। अब इसे बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया है। इस समय लोकसभा की 543 जो सीटें हैं लोकसभा की, उसमें 84 सीटों पर अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति और 47 सीटों पर अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण है। तो 84 × 47 इतनी सीटें आरक्षित हैं, धर्म के आधार पर नहीं बल्कि वर्ग के आधार पर। जब ये सुनिश्चित हो गया कि इस वर्ग को समाज में ऊपर लाने के लिए सरकार की विशेष मदद की जरूरत है, इसके बाद महिलाओं के आरक्षण की बात होती है। अनुसूचित जाति और जनजातियों के समान महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन ये आरक्षण अभी फिलहाल निम्न स्तर पर है। लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के लिए बारंबार चर्चा होती है, प्रयास होता है कि 1/3 सीटें हर विधानसभा की और लोकसभा की महिलाओं के लिए आरक्षित की जाए, लेकिन राजनीतिक कारणों से वो संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन प्रयास लगातार जारी है। शहरी और ग्रामीण स्वायत्त शासन
अर्थात नगर पालिका, नगर निगम, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, ये जो स्तर है, थ्री टीयर सिस्टम जो भारतीय संविधान का है, उसमें जो सबसे नीचे का थ्री टीयर सिस्टम में संसद, उसके बाद विधानसभाएं, विधानमंडल, और उसके बाद जिला और पंचायत, तो सबसे नीचे के स्तर पर महिलाओं के लिए 50% आरक्षण हो चुका है, और तदनुसार ग्राम पंचायत में महिलाओं का दबदबा, महिलाओं का प्रभाव, दायरा राजनीति में काफ़ी बढ़ रहा है, जो एक बहुत अच्छी बात है। तो महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान की बात चल रही है लोकसभा आदि के लिए। क्यों बारंबार विभिन्न मंचों पर और चुनाव के दौरान महिलाओं के आरक्षण को लेकर एक मुद्दा तैयार होता है? कारण स्पष्ट, महिलाओं की स्थिति भी भारत में हजारों वर्षों से बड़ी शोचनीय रही है। पुरुषों के समान अधिकार कागज में तो हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आज भी इतने सब कानूनी प्रावधानों के बाद भी महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में बहुत पीछे है। एक छोटा सा उदाहरण देखें, आप स्कूली स्तर पर ही देखते हैं कि अधिकतर शिक्षिकाएं, अधिकतर जो शिक्षक हैं वो महिलाएं हैं, लेकिन जब वो प्रमोशन होता है, ऊपर के पद पे जाती हैं, चाहे वो हेडमास्टर हों, उच्च या उप प्राचार्य हों, या प्राचार्य हों, या शिक्षा अधिकारी हों, तो ऊपर जाते जाते महिलाओं का प्रतिशत नगण्य हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे समाज में अभी भी एक पुरुष प्रधान भावना बनी हुई है। इसको समाप्त करने के लिए ज़रूरी है कि महिलाओं को भी, उनका भी उत्थान किया जाए, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, और इसीलिए ज़रूरी है कि उनको भी आरक्षण की श्रेणी में लाया जाए, जैसा शहरी और ग्रामीण निकायों में किया गया। और इसके बड़े अच्छे परिणाम देखने में आ रहे हैं कि महिलाएं अब अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने कार्यों के प्रति बहुत सजग हो गई हैं, और ये सजगता एक राजनीतिक चेतना के लिए, जागरूकता के लिए बहुत अच्छा चिन्ह है। अब हम जब चुनाव की बात करते हैं तो एक तो आरक्षण, जिस पर आप समझ गए होंगे कुछ बिंदु,